जादुई लॉन्च बॉक्स। पारो कई दिनों से बीमार पड़ी थी। उसका पति राम रोज काम की खोज में जाता, पर काम नहीं मिल रहा था। वो 12वीं तक पढ़ा था, लेकिन कहीं काम न मिलने से उसे मिस्त्री का काम ही करना पड़ता था। पारो 2-3 दिन से काम पर भी नहीं जा सकी थी। घर में एक दाना भी नहीं था। पति और बच्चे को क्या बना के खिलाएगी, इसी सोच में करवटें बदल रही थी। अजय स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो बोला, माँ आज मुझे देर हो रही है, कुछ खाऊंगा नहीं, खाना मेरा लॉन्च बॉक्स में ही रख दो। पारो कराहती हुई उठी, बर्तन भी जूठे पड़े थे। उसने नया लॉन्च बॉक्स निकाला, जो कि उसको एक फकीर ने दिया था। बहुत दिन पहले जब वो उसके घर आया था और उसने उसको भरपेट खाना खिलाया था, तभी उसने खुश होकर उस लॉन्च बॉक्स को उसे दिया था। अभी बर्तन धोने की हिम्मत ना थी, इसीलिए उसी को निकाल लिया। आटे का बर्तन झाड़कर 2 रोटी का बचा हुआ आटा निकाला, उसी को घोलकर थोड़ा नमक मिर्च डालकर तवे पर डाल दिया और सेंक कर आचार के साथ उसके लॉन्च बॉक्स में रख दिया। अजय जब स्कूल पहुंचा तो भूख लग गई। उसने देखा कि अभी प्रार्थना की घंटी नहीं बजी है। झट से लॉन्च बॉक्स निकाल लिया और देखा कि उसमें हलवा पूरियां और पनीर की सब्जी रखी थी। उसने सोचा, माँ तो इतना करा रही थी, इतना सब कुछ कब बना दिया। फिर सोचा, शायद किसी के घर से आया होगा, खैर मुझे क्या, थोड़ा अभी खा लेता हूँ और थोड़ा लॉन्च के टाइम में खा लूंगा। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। जैसे ही लॉन्च ब्रेक हुआ, उसने सबसे पहले अपना लॉन्च बॉक्स निकाला। अजय ये देखकर दंग रह गया कि वो लॉन्च बॉक्स तो उतनी ही भरा था जितना उसने पहली बार खोला था। उसका लॉन्च बॉक्स खोलते ही उसके दोस्त उसके पास आ गए और ललचाई नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। उसने सबको अपने लॉन्च बॉक्स से खाना निकालकर खिलाया। सब उंगलियां चाट रहे थे, पर आश्चर्य की बात थी, जितना सब लोग खाते जा रहे थे, खाना उतना ही बढ़ता जा रहा था। जब वो घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज तो तुमने कितना अच्छा खाना बनाया था, मेरे सभी दोस्तों ने भर पेट खाया फिर भी खत्म नहीं हुआ। पारो उठकर बैठ गई और बोली, दिखाओ तो। जब लॉन्च बॉक्स खोला तो देखा कि पूरा लॉन्च बॉक्स तरह तरह के व्यंजनों से भरा था। पारो हैरान थी। उसने सुखराम को बुलाया। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसमें किसी ने खाना बनाकर रखा हो। दोनों ने सुबह से एक एक प्याला चाय ही पी थी, भूखे तो थे ही। तीनों खाने बैठ गए, खाते जा रहे थे, खाना बढ़ता ही जा रहा था। अंत में पेट भर गया, खाना खत्म नहीं हुआ। उस लॉन्च बॉक्स की खास बात यह थी कि जैसे ही उसे धोकर साफ करके रख दिया जाता था, वो फिर से बढ़िया व्यंजनों से भर जाता था। तीनों बहुत खुश थे, अब तो उनकी खाने की समस्या ही नहीं थी। पारो ने अजय से कहा, इस लंच बॉक्स को घर में ही रखा रहने देते हैं, स्कूल ले जाने पर कहीं खो ना जाए। अजय मान गया। 2 दिन में बढ़िया और पौष्टिक खाना खाकर पारो की तबीयत भी ठीक हो गई। सुखराम को भी उस दिन से काम मिलने लगा। वे सभी लोग बड़े खुश थे। उस जादुई लॉन्च बॉक्स ने उनका भाग्य भी बदल।
जब स्कूल जाने के लिए कोई बस या फिर कोई अन्य साधन नहीं हुआ करते थे, सबको पैदल ही स्कूल तक पहुंचना होता था और शिक्षा का बहुत ही साधारण सा माध्यम हुआ करता था। शिक्षक काले रंग के बोर्ड पर पढ़ाते थे, सब कुछ बहुत ही सीमित था। तो बात है एक गांव त्रिरंगपुर की, जैसा गांव का नाम वैसा ही वहां का लोग, मस्ती में मशगूल, एकता के साथ, स्नेह के साथ रहने वाले। उस गांव में एक बच्चा था जो बहुत ही सीधा साधा था और पढ़ाई में बहुत ही हुनहार था। उसका नाम राम था और वह बच्चा अपने नाम की ही तरह था, लेकिन उसकी माँ नहीं थी। वह अपनी चाचा चाची और पिता के साथ उस गांव में रहता था। उसकी चाची बहुत ही खड़ूस थी, जबकि चाचा अच्छे थे, लेकिन चाचा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे और पिता खेती में व्यस्त रहते थे। चाची का बर्ताव राम के लिए बहुत खराब था। वो राम को परेशान करती और धमकी देती कि अगर वो किसी को बताया तो बहुत मारेंगी। राम एक दिन स्कूल जाते वक्त थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत तेज रोने लगा। उसको उस दिन अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह ये बात किसी से नहीं कह सकता था। तभी अचानक एक साधु वहां से गुजरे, उन्होंने राम को देखा। राम को रोते हुए देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा, बच्चे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रो क्यों रहे हो? कुछ परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। बताओ बेटा क्या हुआ? राम को इतना सुनकर और तेज रोना आ गया और वह साधु से चिपक कर रोने लगा और उसने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा मेरी माँ नहीं है और मेरी चाची मुझे परेशान करती है, खाना भी नहीं देती और धमकी देती है, अगर ये बात मैं किसी को बताया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। साधु बाबा मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, वो होती तो मुझे बहुत प्यार करती। साधु बाबा क्या आप मुझे मेरी माँ के पास भेज सकते हो? साधु ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुमको तुम्हारी माँ के पास तो नहीं भेज सकता, लेकिन उनसे मिलवा जरूर सकता हूँ। तुम जब चाहो अपने माँ के साथ बात कर सकते हो। क्या आप सच बोल रहे हैं? बताइए ना बाबा, कैसे मिल सकता हूँ मैं अपने माँ से? बेटा यह वह किताब है जिसके छठे पन्ने पर तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वह कुछ ही समय के लिए ही होगा। और ध्यान रखना, इस किताब पर तुम कुछ गलत मत बोलना, किसी का बुरा मत बोलना, और तुमने इसका 21वीं पन्ने पर भूल से भी कुछ मांग लिया तो उसका उल्टा हो जाएगा, तब उस किताब की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, तो इस किताब को ध्यान से खोलना। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से चले गए। राम वो किताब लेकर बहुत खुश हुआ और घर जाकर अकेले में उसने उसका छठा पन्ना खोला। मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे उनसे बात करना है। और इतना बोलते ही राम की माँ उसके सामने प्रकट हो गई। अब राम बहुत ही खुश रहने लगा। वह रोज अपने माँ से मिलता और बातें करते रहता। अब राम इस किताब का दुरुपयोग करने लगा। राम पढ़ाई नहीं करता फिर भी अव्वल आता। एक बार चाची ने देखा कि राम किसी से बात करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने राम को डराते हुए पूछा तो राम ने बताया, लेकिन राम ने उस किताब का 21वीं पन्ने का रहस्य बताना भूल गया। जब चाची ने उस किताब खोली तब उसका छठा पन्ना खोला और चाची ने मांगा, मेरा घर महल जैसा हो जाए। इतना कहते ही घर महल जैसा हो गया। वाह, ये तो वाकई जादुई किताब है। चाची कुछ बोलती उससे पहले ही उनके हाथ से किताब फिसल गई और 21वां पन्ना खुल गया। चाची तो लालची थी ही, साथ ही उसे खूबसूरती पर गुमान था। चाची ने दूसरी बार किताब को कहा, मैं बहुत सुंदर हो जाऊं। इतना कहते ही
चाची बहुत ही बदसूरत हो गई। जब उसने आईना देखा तो बहुत रोने लगी और खुद को कोसने लगी। इसके बाद राम के परिवार वालों ने उस साधु महात्मा की खोज की और उन्हें सारी व्यथा बताई। साधु ने राम और राम की चाची से कहा, यह लालच का फल है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और राम, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, फिर भी तुमने उस किताब का गलत इस्तेमाल किया। चाची को ऐसे ही अपने कर्मों का सजा मिल गई और उस दिन के बाद चाची का व्यवहार भी राम के लिए अच्छा हो गया। अब राम बहुत खुश रहने लगा और राम को भी समझ आ गया कि उसने भी किताब का दुरुपयोग किया था, जो उसे नहीं करना चाहिए था। और राम और उसकी चाची की गलती के वजह से राम अपने माँ से और कभी नहीं मिल पाएगा। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि त्योहार के बाद क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी। रमा को इन छुट्टियों का बहुत ही इंतजार था क्योंकि छुट्टियों में रमा को बहुत खिलौने मिलने वाले थे। और रमा ने सोच कर भी रखा था कि वह इस बार सांता क्लॉज से क्या मांगेगी। अब क्रिसमस का त्योहार आ जाता है। रमा के स्कूल में क्रिसमस का फंक्शन होता, रमा भी उसमें भाग लेती है। मम्मी रमा को पूछती है, रमा हो गई तुम्हारी तैयारी? चलो अब जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी चलो। रमा परी की ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो मम्मी उसको देखती रह जाती है। रमा बहुत सुंदर लग रही होती है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। और दोनों स्कूल के क्रिसमस के फंक्शन के लिए निकल जाती हैं। अब इस फंक्शन में रमा सोन परी होती है और अपनी छड़ी से सबकी मदद करती है। इसके लिए रमा को फर्स्ट प्राइज मिलता है। अब बारी आती सांता क्लॉज की। रमा तो पहले से ही सोच कर बैठी होती है कि उसे क्या चाहिए। अब सांता क्लॉज रमा के पास आता है और उसे पूछता है, क्या चाहिए तुमको रमा? मुझे सोन परी वाली छड़ी चाहिए जिससे मैं कुछ भी मांग सकूं। ठीक है, ये लो छड़ी, लेकिन तुम इससे साल में एक ही बार कुछ मांग सकती हो। और अगर तुम इससे किसी की भलाई करोगी तो साल में दो बार कुछ मांग पाओगी, इसलिए जो मांगना ध्यान से मांगना। ठीक है। मैरी क्रिसमस। इतना कहकर सांता क्लॉज आगे बढ़ जाता है। अब रमा खुश होकर आती है और माँ को बताती है कि सांता क्लॉज से उसने क्या मांगा। अब क्रिसमस की छुट्टियाँ लग जाती हैं और रमा की मौज मस्ती शुरू हो जाती है। रमा अपने दोस्तों के साथ खेल खेलती है और सोन परी भी बनती है। एक दिन सब खेल रहे होते हैं, तभी रमा की दोस्त शिखा को जमीन पर पड़े हुए चाकू से लग जाती है। शिखा को बहुत खून निकलता है। सब घबरा जाते हैं। शिखा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन शिखा का खून बंद नहीं होता। तभी रमा को याद आता है कि मेरे पास तो सांता क्लॉज की दी हुई छड़ी है, मैं उससे शिखा को ठीक कर सकती हूँ। और रमा तुरंत ही जाती है और छड़ी लेकर वापस आती है और उससे शिखा को ठीक कर देती है। अब सब बहुत ही खुश होते हैं कि रमा ने उस छड़ी का उपयोग सही काम के लिए किया। अभी भी क्रिसमस की छुट्टियाँ बाकी होती हैं। शिखा बिल्कुल ठीक हो जाती है और शिखा को पता होता है कि रमा के पास सोन परी वाली छड़ी है और वह चुपके से उस छड़ी को चुरा लेती है। अब वह छड़ी को अपने घर ले जाती है और रमा पूरे घर में छड़ी ढूंढती है और माँ को पूछती है, माँ मेरी छड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, क्या आपने कहीं देखी है? बेटा वहीं होगी छड़ी, कहाँ जाएगी? रमा बहुत ढूंढती है लेकिन छड़ी नहीं मिलती। अब घर में सब परेशान हो जाते हैं कि छड़ी आखिर कहाँ गई। वहाँ दूसरी तरफ शिखा छड़ी का उपयोग करने की कोशिश करती है और छड़ी को कहती है, मुझे भी रमा जैसी फ्रॉक चाहिए। इतना कहते ही शिखा के पैर में से खून आने लगता है और छड़ी से आवाज आती है, जहाँ से मुझे लेकर आई हो वहाँ वापस देकर आओ, तभी मैं तुम्हारा पैर ठीक करूँगी। शिखा कहती है, ठीक है, मैं रमा को वापस ये छड़ी दे दूंगी, लेकिन पहले मेरा पैर ठीक कर दो।
छड़ी तुरंत ही उसका पैर ठीक कर देती है और शिखा रमा के पास जाकर उसको छड़ी दे देती है और कहती है, मैंने तुम्हारी छड़ी चुरा ली थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने मेरी छड़ी क्यों चुराई थी? मैंने सोचा इस जादुई छड़ी से मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी है। शिखा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो, लेकिन अब कभी भी मेरी या किसी की भी चीज मत चुराना। मुझे माफ कर दो रमा। इतने में ही रमा शिखा को गले लगा लेती है। तनु की माँ आसपास के सभी गांव में खिलौने बेचने जाती थी और सारे खिलौनों को टोकरी में रखती थी। यही उनकी रोजी रोटी का साधन था। और तनु के पिताजी भी तनु की माँ के साथ एक और खिलौने की टोकरी लेकर जाते थे। माँ, आज मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी क्योंकि आज मेरी स्कूल की छुट्टी है। हाँ तनु, तुम भी हमारे साथ चलो, शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। तनु पहली बार अपने माता पिता के साथ खिलौने बेचने जाती है। बाजार जाकर उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं और उन्हें उस पर दया भी आती है। माँ, आप और पिताजी कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, अब मैं भी आप लोगों की मदद करूँगी। तनु पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है और बहुत होशियार भी। अब तो तनु हर छुट्टी वाले दिन अपने माता पिता की मदद करती है और खिलौने बिकवाने में उनकी मदद करती है। बाजार में लोग देखते हैं कि इतनी छोटी सी और इतनी होशियार बच्ची खिलौने बेच रही है, तो वे खिलौने खरीदने के लिए ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जब भी तनु अपने माता पिता के साथ जाती है, उनके खिलौने ज्यादा मात्रा में बिकते हैं। एक दिन बहुत अमीर आदमी की गाड़ी आती है अपने बच्चे के साथ खिलौने खरीदने। गाड़ी का मालिक देखता है कि ये तो बहुत ही होशियार और छोटी सी बच्ची है। वे उसके माता पिता से कहता है कि आप इतनी छोटी सी बच्ची से काम क्यों करवाते हैं, आपको तो उसको पढ़ना लिखवाना चाहिए। हमारी बेटी पढ़ाई भी करती है, केवल वे छुट्टी के दिन हमारी मदद करती है। हम तो चाहते हैं कि हम उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाएं, पर हम लोग बहुत गरीब हैं। ये सुनकर वे अमीर आदमी पूरे खिलौने खरीद लेता है। उनसे कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटी को पढ़ा लिखा सकता हूँ। नहीं, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम इस तरह की मदद नहीं ले सकते। अमीर आदमी कहता है, ठीक है, आप लोग मेरी मदद नहीं ले सकते, लेकिन मुझे 2 टोकरी खिलौने रोज चाहिए, क्या आप लोग मुझे दे सकते हैं? अरे, आप इतने सारे खिलौने का क्या करेंगे? शहर में मेरी भी एक बहुत बड़ी खिलौने की दुकान है। आपके खिलौने बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपसे खरीद कर शहर में अपनी दुकान पर इन खिलौनों को महंगे दामों पर बेचूंगा और इनका मुनाफा आपको भी मिलेगा। ठीक है। इसके बाद वे अमीर आदमी रोज उन खिलौनों को खरीदता है और शहर ले जाकर उन्हें अपने महंगी दुकान पर अच्छे दामों पर बेचता है। इससे तनु के माता पिता की आमदनी भी अच्छी होने लग गई थी और वे अमीर आदमी को भी फायदा हुआ। वे अमीर आदमी चाहता था कि वे तनु की मदद कर सके, तो वे तनु की मदद भी कर पाया। इससे तनु के माता पिता की स्थिति भी सुधरने लग गई थी और अब पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में जा सकती थी। अब तनु 12वीं क्लास में आ गई थी। उसके माता पिता अब जगह जगह खिलौने बेचने टोकरी लेकर नहीं जाते थे, उनकी अपनी खिलौनों की दुकान थी और अब वे अपनी दुकान से ही खिलौने बेचते थे। धीरे धीरे तनु बड़ी हो गई और उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने उसी खिलौने की दुकान को आगे बढ़ाया और अब उसके खिलौने विदेश तक जाने लगे। तनु ने उस अमीर आदमी का भी बहुत धन्यवाद किया और अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया।